अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा सरनेम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। इंडियन नेवी। और मैं उनसे मुस्कुरा के कहता हूं कि इस देश के नाम पे मेरे बाबूजी ने मेरा नाम भारत रखा। अब इतने बड़े नाम के आगे जाति, धर्म, सरनेम लगा के ना तो अपना और ना ही इस देश का मान कम कर सकता हूं। एंट्री। फिर तो टीजर देख के भी हालांकि पूरी बात तो स्पष्ट नहीं हो रही, लेकिन शुरुआत में एक जो ट्रेन का सीन है उसे देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा विभाजन की उस दौर की याद आ जाएगी, भारत और पाकिस्तान की। इसके अलावा सलमान खान है, उनका नाम भारत है और जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की बात कह रहे हैं। देखते हैं कि ये समाज पे कितना असर करती है। फिलहाल टीजर आ चुका है, ट्रेलर का इंतजार है, तब शायद कुछ स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो। ट्रेलर तो ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा है और इतना कुछ मूवी इसमें ट्रेलर में, टीजर में इतना कुछ दिखाया भी नहीं हुआ है कि मूवी किसके बारे में रहेगी। जो सलमान खान दिख रहे हैं उसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं दिखा। तो टीजर तो फिलहाल अच्छा है, ठीक है, मतलब सलमान की जैसी मूवीज़ होती हैं, लग रहा है कि ये भी एंटरटेनिंग होगी और सलमान खान के फैंस को तो वाकई पसंद आएगी। ऊपर से ईद का टाइम, तो ये भाईजान की फिल्म तो ईद पर ही आनी होती है और जमकर चलती है, करोड़ों का रिकॉर्ड बनाती है, स्टोरी कैसे भी हो। लेकिन हाँ ठीक है, लग रहा है एंटरटेनिंग है। स्क्रिप्ट में कितना दम होगा कितना नहीं, अब ये तो टीज़र में स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी आपको। स्टोरी के नाम पे अभी टीज़र में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि हाँ, सलमान खान इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं, मतलब कभी आर्मी तो कभी पुलिस वाला, सब करते करते अब फाइनली सलमान नेवी की ड्रेस तक भी आ चुके हैं। तो देखना होगा कि फिल्म की स्टोरी कैसी है, ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल टीज़र में आपको सिर्फ और सिर्फ सलमान खान का स्वैग दिखाई देगा। भारत टीजर लॉन्च हो गया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। कई सारे शेड्स दिख रहे हैं सलमान खान के, नेवी ऑफिसर भी बने हैं, सर्कस वाले भी बने हैं, कोयला खदान वाले भी बने हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है रोल, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ठग है, मतलब भेष बदल बदल के लोगों को ठगते होंगे या ऐसा कुछ होगा। बट जब आएगी तब पता चलेगा। ना तो अपना और ना ही इस देश का मान कम कर सकता हूं।